नमस्कार पिपिली जनादेश को स्वागत करीमा जमुची पिपिली निर्वाचन ताती गोटे पटे तापमात्रा तो बढ़ुची किंतु अन्य पटे पिपिली निर्वाचन ताती या बढ़ी जाइए गोटे पटे रुद्रप्रताप महारथी आउ गोटे पटे जो देखा आश्रित पट्टनायक सेपटे अजित मगराज त्रिमुखी लड़े देखा मिली जदिव 15 जन प्रार्थीपत्र दाखल करते नामांकन शेष तारीख रही कि कौ मैंने प्रत्याहर करेंगे कि बर्तमान जाए जहाँ अपडेट कि 15 जन प्रार्थीपत्र दाखल करते कि त्रिमुखी लड़े विशेषकर देखा मिली अन्यपटे जब देखा बिजेडी तरफ जो रुद्रप्रताप महारथी रही हेवी वेट नेता मंत्री सेठी जाए पहुंची आप देखिए पूर्वतन जी रही मंत्री महेश्वर महांती रही संजय दास वर्मा योजना बोर्ड उपाध्यक्ष दायित्व दि जाए देखिए प्रताप देव जी रही देखुं पिपिली निर्वाचन मंडली दायित्व दिखाई देखा मिली से जगह सहित देवी मिश्र पूर्वतन मंत्री सी उपस्थित रही तेणु संजय महेश्वर देवी और प्रताप सब प्रकार हेवी वेट को देखा मिली अनेपटे जब आम देखा आश्रित पट्टनायक मुद्दा बन कि परिवर्तन किंतु अन्यपटे बिजेडी तार मुद्दा बनई कि युव नेता युव चेहरा अन्यपटे महारथी मानने दिवंगत विधायक जी रही प्रदीप महारथी अधूरा स्वप्न पूरण करार नारा देपटे कांग्रेस एवं भी आशावादी कि जनादेश रही लोकंर मानने मत रही लोकंर समर्थन रही कांग्रेस प्रति तेणु आ भितर केमी जमुची पिपिली निर्वाचन से नहीं अधिक सूचना पाई रही आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र प्रदीप्त केमी रही पिपिली निर्वाचन माहौल बर्तमान कारण समय जिते पखेपाखि आसूसी कारण एप्रिल 7 जेहतु उपनिर्वाचन तेणु लोकों भितर आशा उत्कंठा से मात्रा बढ़ी चलती तो किभली चल निर्वाचनी प्रचार निश्चित भाव में नीलिमा आप जो कथा कहले आ मात्र 16 दिन पर पिपिली उपनिर्वाचन देखा जी ताकू दृष्टि रखिकी तीन प्रमुख दल बीजेडी बीजेपी एवं कांग्रेस प्रचार मैदान को ओल्ल सारी आज डेलांग ब्लॉक रे जी रही बीजेडी प्रार्थी रुद्रप्रताप महारथी सी प्रचार विभिन्न पंचायत बुलूं लोकों पाखक जाऊँगी लोकों सहित मिशुंस भोट भिक्षा करपट देखा जी कांग्रेस कि समय आगु आम कांग्रेस जे प्रार्थी थे प्रतिक्रिया नौलु सी वर्तमान बैठक निजो अंचल जो अधिवासी रही भोटर रही सहित बैठक कर जो रही कांग्रेस दलय कर्मी मैंने रही कि ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करपर भाव बाजिमात हम पिपिली पुणी थे किपर भाव कांग्रेस गवर्नमेंट फेरी पार कांग्रेस जो आसन फेरी पार कि सेपटे नजर पकड़ जी आश्रित पट्टनायक जे कि बीजेपी 2019 साधारण निर्वाचन में प्रार्थी होते एथर दल भरसा कर आस्था प्रकट कर टिकेट देखिए सी लोकों पाखक किपर जी लोकंर समर्थन किपर भाव पाई बीजेपी ये आउ गोटे सीट अर्थात 22 रु 23 किपर भाव बीजेपी सीट हो पार विधानसभा से नहीं कि विभिन्न प्रकार रणनीति प्रस्तुत करूँ आम प्रचार मैदान तो आगामी समय जनसाधारण जे रही दर्शक रही देखा आम कि बर्तमान डेलांग ब्लक सुजनपुर पंचायत जगदलपुर गाँव रुँव यही प्रचार कवरेज पाई जाऊ जाऊ अटकी जाइ ये किसी साधारण लोक अच्छा स्थानीय भोटर अच्छा डेलांग ब्लक भोटर अच्छा प्रतिक्रिया नापी तो मुझे आपको सीधासलख प्रतिक्रिया ना आम सीधासलख से कौन चाहूँ एथर केमी प्रार्थी और अंचल समस्या को किपर भाव समाधान करण कौन सब समस्या रही जाइए प्रतिक्रिया ना आज्ञा कौन कहे एथर पुणी थे उपनिर्वाचन हो 2019 रे साधारण निर्वाचन होता किंतु दुर्भाग्यवशत जी विधायक थे प्रदीप महारथी जीवन सी प्राण सी प्राण हर तेज एथर उपनिर्वाचन हम तक पुओ को बीजेडी पक्षर टिकेट दि जाइए बीजेपी आशित पट्टनायक टिकेट दि जाइए जी से थर लड़ी प्रदीप महारथी सहित और कंग्रेस पुराणा प्रार्थी अजित मंगराज ये किसी समय आगु आगे गाँ तेज आप भावुंट अंचल विकास किपर भाव हो पार विकास तो आज्ञा किसी सेमती कह गए आम गोटे स्थानीय विश्वनाथ पहाड़ से तार कौन प्रकार उन्नति हो पारानी एटि कौन अफिश वर्तमान सुचारू रूपे चलुनि जो गले बिना पैसा कौन काम चलनी प्रत्येक अफिश रे माफिया चली विशृंखलित परेश सृष्टि दी गोष्ठी या भितर गोटे गोष्ठी की पाखे रखी से सदा जीतिया पुलिस अच्छा तेणुक दीर्घ 35 वर्ष भितर डेलांग उन्नति किसी भी होनी आम नजर भितर जेको रास्ता घाट तैयारी भी रिपेयरिंग कर सुखलित भाव चलुनि मान्यवर मुख्यमंत्री गोटे फायर स्टेशन उद्घाटन कले गोचर आते कि अगोचर या सीफ्ट कर स्थानीय विधायक सीफ्ट तार किसी प्रतिकार भी ना तेणु पंचायत अफिस भितर तहसिल हाँपी गोटे कि गाइडलाइन अच्छी 8 किलोमीटर दूर से पंचायत जो तहसिल अफिस् कर दिगला तार किसी ना निरीह जनसाधारण ये पूरा चुप रही कि कहीदेन कारण ये बीजेडी गुंडाराज चली
भाव में प्रतिक्रिया नौले आहरी मैं यठार सचेतन नागरिक अच्छा एठार आज्ञा कौन कहे एटी आपड़ पूर्वर अनेक थर भोट देते एथर पुणी थर उपनिर्वाचन आसूँ 17 तारीख में पुणी भोट देते एथर कौन आशा रखुंट आपत कि नुआ हम कारण बीजेडी पक्ष जन युव प्रार्थी अच्छा बीजेपी पक्ष अभिज्ञ प्रार्थी अच्छा कंग्रेस पूर्वथर से ढड़ा होते प्रार्थी कराई एथर कौन चाहते मुँह आज्ञा बेरोबी ग्राम पंचायत प्रहलाद प्रधान डेलांग पिपिली रे बहुत आज्ञा समस्या रही बहुत दुर्नीति आज्ञा बढ़ी चली तेणु आम ये निर्वाचन को कि भाव आगामी दिन में साकार करूँ से आमरी अंचल डेलांग अंचल जो आज्ञा नुआ नेता टाणुआ नेता जी कि आज्ञा समाजसेवी लोक प्रत्येक कार्य जाए जड़ित सी ठिया सी हो अजित मंगराज अजित मंगराज जो आज्ञा बहुत भल लोक प्रत्येक कार्य से आज्ञा रहा तेणु आम से कंग्रेस प्रार्थी हूँ आज्ञा जो दूर प्रार्थी हूँ जेहेतु आम डेलांग अंचल आदौ आज्ञा विकास हो पारि ना दीर्घ 30-35 वर्ष पर्यंत पिपिली आज्ञा राजनीति चली आपड़ सब देखिए कौदिन तो आज्ञा बीजेडी कौदिन को सी बीजेडी लोक पुणी बीजेपी भोट दे कि कंग्रेस आज पतन रण हूँ गत निर्वाचन में आमर कंग्रेस से अजित मंगराज ठिया होता है आज्ञा से ही अजित मंगराज जो ठिया होता है सेतबेले कंग्रेस लोक गोटे सहारा किसी नाला कारण टिकटर विलंब हूँ मुख्य कारण था बहुत विलंबर टिकेट आज आसी अजित मंगराज से संगठन को दृढ़ दृढ़ीकरण करने सुदृढ़ करने कौन उपाय नाला आपण मैंने देखूँ बीजेडी एत वर्ष शासन चलना डेलांग पिपिली आज्ञा दुर्नीति किभली भाव में बढ़ी चली साधारण लोक निरीह लोक आज्ञा निष्पेषित लोक खंडे फोनि भांगी जाता है एपर्त घर पाइले ना आज्ञा आप देखिए पानी निष्कासन सुविधा ना बेरवी पंचायत आज्ञा कह बेरवी पंचायत आज्ञा पानी सुविधा नहीं छत गहर आज पानी जलमग्न जलर निष्कासन सुविधा ना बनिया समय कहते अत्युति हम ना भारी भयंकर जिन से समय आज्ञा आजिकल आज देखूँ ओडा कौ जगार बनार आज्ञा ना कि डेला पिपिली आज्ञा प्रत्येक वर्ष बनार सम्मुखीन लोक होती बहुत दुख दुर्श घर गुड़ा भांगी जाऊँच आज्ञा डेला पिपिली मध्यम राजनीति करते विधायक से कौन कर पिपिली का मो स्त्री मथार आज सुंदर ना का स्त्री हाथ में शखा नहीं केवल गुंडाराज आप जानते हैं गत निर्वाचन में मजिस्ट्रेट को आज्ञा रात अधर आज्ञा बाड़ी मरात्मा आक्रमण से आज्ञा मानि करदे अगर दुई जन को दोषी सब्यस्त कर निर्दोष खलास प्रदीप महारथी से स्वर्गत प्रदीप महारथी आप पचारतु आज्ञा राजनीति अन्य जल्दी से भी पचारतु कौन सब पुह को टिकेट देते कौन हम पु कौन आज लोक सहित जड़ित कौ अंचल कौटे लोक सुविधा करो लोक विशोदगार कि पिपिली में कौन उन्नति ही दुर्नीति बढ़ी चलती तरह कौन चाहते भोटर एथर एथर उपनिर्वाचन से कौन आशा कर निश्चित भाव प्रतिक्रिया ना आज्ञा एथर आप कौन चाहते जदि प्रदीप महारथी एटी सात थर विधायक हेले मानने बीजेडी रे विधायक होती पूर्व अन्य दल रही से विधायक होती एत वर्षर शासन एत वर्ष धरिकी गोटे स्थायी एटी स्थायी प्रतिनिधि भाव से रे कि जहाँ भाईना कहते अंचल किसी विकास है ना केत गुंडाराज चलती बना समय लोक नहीं नसुविधार सम्मुखीन होती कौन एटी भाईना कहते आम रास्ता घाट ठार आरंभ कर जो विश्वनाथ मुंडिया पिपिली बेबिनी हत्याकांड होता से कौन महारथी बाबू जाणी ना लोक न्याय दबापी कि सर देखते कौन असुविधा है से न्याय पाइले पर लोक महारथी आज्ञा ये मुख्य कलाकार मुख्य भूमिका ग्रहण करते कि साधारण लोक एपर् भी न्याय मिलला ना बीजेपी मुद्दा कौन स्थानीय अंचल विकास समस्या रही है समाधान हम से प्रसंग कर प्रार्थी देखी भोट दौरान ना दल देखी भोट देते झीओ बहार लिप्त कर डेलांग पिपिली निर्वाचन ई रु डेलांग ब्लॉक आ पिपिली ब्लॉक आपण निजे करी देखु ताजर पीसी किसी नाला सबुतक प्रदीप महारथी बहार जड़ित कर लगे आठे लोक मैंने जो भाया जड़ित हईराण हरकत सृष्टि होगत 87 वर्ष टू मु कंग्रेस जड़ित किंतु एठे किछे हैनी किंतु दुखदायक मुझे शुणा को पाइली प्रदीप महारथी कहले हूँ डेलांग रुटी पिपिली रुटी डेलांग कुती
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଗାଁ ଭାଇଟାକୁ ଆମେ ଠିଆ କରିଛୁ। ଆମେ ଢେଲାଙ୍ଗରେ ଆମ ଗାଁ ଭାଇଟା କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିକି ଆଣିବୁ ଆମେ ଦେଖାଇଦେବୁ। ପିପିଲି କେତେ ଦୂର ରୁଟି ହବ, ଆମେ କେତେ ଦୂର କୁତି ହେଇକି ରହିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ମଉସା ଏଠି ମଉସା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମଉସା ଏଠି ଆଗରୁ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିଥିବେ, କେତେ ଆସିକି ସବୁ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ, ରାଲି ଫାଲି ରାଲି ହେଇଥିବ, କେତେ ପତାକା ବୁଲିଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ଏଥର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦଳ ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଉପକାର ଉପରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଗରିବମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗରିବ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହଉ କିନ୍ତୁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗରିବମାନଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଘଟଣା। ମୋର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସାହି ଆମର ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହେଉଛି, ମାନେ ଚତୁର୍ମାସରେ କାମଦାମ କିଛି ନାହିଁ, ଜଗଦଳପୁରର ଉନ୍ନତି କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ କେଉଁଠି ସୁବିଧା କରାଇବା, କଳ ସୁବିଧା କରାଇବା, ଲୋକ କେମିତି ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ରାସ୍ତାଘାଟ କେମିତି ସୁବିଧା ହେବ, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଗରିବ ଗୁରୁବ କେମିତି ଚଳିବେ, ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେମିତି ଚଳିବେ, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ବାତ୍ୟାରେ କାହିଁ କ'ଣ ମିଳିଲା କାହାକୁ କିଛି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ମୋର ଯାହା କେତେ ହେଲା ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିକି ନେଲେ ସବୁ କଲେ, ଲେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ଲକ ହେଲାଠୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଖାତା ଖତିଆନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋର ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, କୌଣସି ଖାତା ଖତିଆନ ମୋର ନାଁରେ ନାହିଁ କି ମୋ ବାପର ନାଁରେ ନାହିଁ, କ'ଣ ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉଛୁ ଆମେ? ତାହେଲେ ଏଥର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଚାହୁଁନି, ଯେଉଁ ଯିଏ ରଥୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ହେନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାକୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି, ଆଉ ନ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଭୋଟଟା ଦେବି ଦେବି, ଯାହାକୁ ହେଲେ ଦେବି। ମୋର ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଧର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବ୍ଲକରେ ବୟା ଜେନାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବ୍ଲକ ହେଲାଠୁ ମୋର କ'ଣ, ମୁଁ ଜାଗା ଦେଇଛି ମୋ ବାପା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଅଛି, ମୋର ଖାତା ଖତିଆ ନା କେଉଁଠି ଅଛି, ମୋ ବାପା ନାଁରେ କି ମୋ ନାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଏମଏଲଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସବୁ ଥିଲେ, ସେ ମୁହାର ଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ମହାରଥୀ ଏଠି ଗ୍ରେନ୍ ଗଲା ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଥର ବୋହିଲା, ମୁଁ ଟ୍ରକ୍ ଲଗେଇ ତା ପାର୍ଟି ଅଫିସକି ପଥର ବୋହିଲି, ମୋତେ କହିଲା ତମ ନାଁ କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ନା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଘର କରିଦେବି କହିଥିଲେ। କେବେକା ଘଟଣା ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରେନ୍ ଗଲା ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଲା? ଡେଲ୍ଟା ଅଫିସ ଆଗରୁ, ଏଇ ସେଠୁ ଗ୍ରେନ୍ ଗଲାଠୁ 20 ପରେ ହେଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ଆମକୁ କରୁ, ଉପକୃତ ହେଉଛୁ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ଲଢେଇ ଜୋରଦାର ହେବ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି କିପରି ଭାବେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରତି ଦଳ ମଜବୁତ କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ହୁଡ଼ିଂ ବ୍ୟାନର ଏବଂ ଦଳୀୟ ପତାକାରେ ଭରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ କ୍ଷୋଭ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି। ସେମାନେ ଏଇ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେଥର ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି, ଯିଏ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଯାଏ କିଛି ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହା ବନ୍ୟା ହେଉ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଜଳସେଚନ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ବା ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଏଇ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଜାଗା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଜଗଦଲପୁରର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ରହିଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ, କିନ୍ତୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବିକାଶ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବାର କଥା ଜନାଦେଶ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ କି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି। ସମୟ ଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।